लौकी के जनौरा में धर्म स्थल पर अवैध कब्जे को लेकर साधु संतों ने दिया धरना फतेहाबाद 10 नवंबर। लौकी थाना क्षेत्र के ग्राम जनौरा में धर्म स्थल पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बनाकर कब्जा कर लिया है। इस मामले में साधु संतों ने कई बार प्रशासन से कब्जे को हटवाए जाने की मांग की। जब कब्जा नहीं हटा तो बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में संतों ने धर्म स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोकी थाना क्षेत्र के ग्राम जनौरा में लॉकडाउन के दौरान एक धर्म स्थल पर कुछ लोगों ने दुकानें बनाकर वैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया, जहां देवी देवताओं की मूर्तियों को ऊपरी तल पर शिफ्ट भी कर दिया गया। इस मंदिर में कुछ संतों की समाधि भी मौजूद है। इस मामले में कई बार संतों द्वारा प्रशासन को अवैध कब्जा हटवाए जाने की जानकारी दी गई, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में संत समाज के गणमान्य लोग जनौरा पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। महात्मा जी आज यहां पे ग्राम पंचायत जनौरा में आए हुए हैं, पनौली कटारा के क्षेत्र में। यहां पे जो मंदिर का जमीन अवैध कब्जा कर रखा है, इसमें आप यहां पे महात्मा लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि यहां पहले हमारे गुरु जी की समाधि थी और उनके भी गुरु भाई थे, उनकी भी यहाँ समाधि रही है। और हम ये समाधि थी, इस पर मंदिर और आश्रम का निर्माण हुआ था जो हमारे गुरु के द्वारा हुआ था, जिस पर हम सब संत महात्मा द्वारा उनको बिठाया गया था। उसके बाद हमारे गुरु की मतलब साकेतवासी जब मृत्यु हुई तो उस व्यक्ति ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, जो वहाँ समाधि के ऊपर अपनी दुकान आपत्तिजनक सामान रखकर अपनी दुकान चला रहा है। और सभी देवता मंदिर के उसने छत पे बिठा दिए, जिसकी कोई पूजा रूपरेखा नहीं है और ना कोई पुजारी है। और मंदिर के बाहर वो दुकान अपनी चला रहा है, जिससे धर्म की ये बहुत हानि हो रही है। और गुरु वहाँ के जो पुजारी थे उनको मंदिर से निकाल दिया गया है, उनकी कोई देख रेख कोई भी करने वाला नहीं है, गांव वाले कोई सहयोग उसमें नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें आज सब संत समाज आया है धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के लिए, और वही वापस जहां मूर्ति रखी हुई थी पहले, वही स्थापित मूर्ति को संत समाज हमारा सभी मिलकर हर दर्शन साधु समाज जो मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और यूपी के सब संत आए हुए हैं, इन सबके सामने धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक यहाँ पे जो समाधि है उसका जो अधिग्रहण उसने अपने अधिकार करके रखा है, जो अपने क्या नाम है, मैं महंत अनिलानंद, प्रवक्ता अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश। महंत जी, जो आज यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी बात क्या है, क्या रहस्य है, क्या मामला? नहीं, मामला तो ये है कि जहाँ भी धर्मस्थल पे कोई समस्या या कोई प्रकार का अतिक्रमण ये होता है, तो हम लोग वहाँ जाके उस मामले को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वो समस्या सुलझने लायक हो। आज हम लोग, कल हम यहाँ आ गए थे पूरे जमात के साथ में, हम लोगों ने पूरा मंदिर का निरीक्षण किया। ये मंदिर हमारे मुकेश महाराज जी के जो गुरु जी थे उनके द्वारा ये सब बनाया गया है। लॉकडाउन में उन्होंने लॉकडाउन में साल भर का समय ऐसा आपातकालीन समय रहा कि उस समय उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया समाधि के ऊपर, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। समाधि के ऊपर शंकर जी के अलावा कोई मूर्ति स्थापना नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने उसको व्यवसायीकरण कर लिया उस जगह का, तो मंदिर की जगह है, मंदिर को ही रहने दो, उसका व्यवसायीकरण न किया जाए। शासन प्रशासन को हमने ये चेतावनी दी है कि भाई अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से, आपका लाइन ऑर्डर न बिगड़े जब तक हम शांत बैठे हुए हैं। हमारी जो समस्याएं, इतने सारे संत अलग अलग